हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, अभी तक आप लोगों को एग्जाम पोस्टपोन होने की और जो एग्जाम रीशेड्यूल कर दिए गए हैं 20 से 30 सितंबर, इसकी न्यूज़ आप लोगों को अभी तक मिल चुकी होगी, जो कि मम्मी दारा जगदीश कुमार जी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हमें बता दिया है कि 20 से 30 सितंबर को जो है अब एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। गाइज, मेन क्वेश्चन तो ये है कि एग्जाम इतना डिले करके क्यों बार बार करवाया जा रहा है? ये कोई पहली बार की बात तो है नहीं कि एक बार एग्जाम हो जाएगा और जिंदगी में आगे कभी एग्जाम नहीं होगा। ये तो दोबारा भी एग्जाम होना है। दिसंबर वाले अटेम्प्ट का क्या, वो एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा? और इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनका क्या? स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फ्री बैठे हैं भाई। घर से तो बंदा, हर बंदा फ्री होता नहीं है। हर स्टूडेंट कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी अपने मायके ससुराल में रहता है, शादी हो जाती है इस एज तक लोगों की, या कोई दूसरा काम कर रहा है। स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमने जॉब से छुट्टी ली है, लिटरली बच्चों ने छुट्टी ले ली है, लीव ले ली थी 1 हफ्ते 15 दिन की कि हमारे एग्जाम होने वाले हैं, उनका क्या? भाई उनको कौन जवाब देगा? इन चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, एक बात तो साफ है कि NTA UGC नेट का जो एग्जाम है या जितने भी एग्जाम है हैंडल नहीं कर पा रहा है। दिस इज द अंडरस्टूड। ये हमारे हमें मैंने आपको पहले बताया था इस बारे में कि जो हमारा NTA वो एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा पा रहा है, बिकॉज एक अकेली एजेंसी को इतने सारे एग्जाम करवाने को दे दोगे तो वो कैसे हैंडल कर पाएगा? ऑब्वियस ही बात है कि नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो चीजें डिले करके करेगा। तो गाइज, एक पहली बात तो ये कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो UGC नेट एग्जाम को हैंडल नहीं कर पा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि एग्जाम ऐसा डिले करके करवाया जा रहा है। जब से NTA ने इस चीज को टेक ओवर किया है, कभी भी टाइम से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। जितनी भी हिस्ट्री देखी हम NTA को उठा करके, UGC नेट को लेकर के खास तौर पर, कभी भी एग्जाम टाइम से कंडक्ट नहीं हुआ है। अब गाइज, अगर हम बात करें कि अपकमिंग जो दिसंबर सेशन है उसका एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, तो ये जो एग्जाम है, देखो अभी जो आपके एग्जाम है 20 से 30 सितंबर तक तो एग्जाम ही चलेंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आंसर की चैलेंज वाला ऑप्शन आता है। देन उसके बाद आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने में। तो सितंबर का मंथ तो एग्जाम ही खत्म हो गया, अक्टूबर का मंथ आपका आंसर की और रिजल्ट आने में हो गया। तो ये लगा लो कि नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर में जाकर के तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। अगर फॉर्म फिलिंग ही दिसंबर में स्टार्ट हो रही तो फिर तो समझ लो आप लोग कि जो आपकी एग्जाम है वो जनवरी या फिर जनवरी में भी पॉसिबल नहीं है। फेब्रवरी इज द मोस्ट प्रोबेबल मंथ जहां पर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट वाला जो एग्जाम है वो पॉसिबल हो पाएगा। अब ये मेरी तरफ से पॉसिबिलिटी है गाइस। इसमें एक चीज आपको मैं और समझा दूं कि NTA जिस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर इस चीज की भी प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो दोबारा से मर्ज हो जाएगा दिसंबर और दिसंबर वाला और अपकमिंग जून वाला, जो जून 2023 में जाकर के होगा। तो इन चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, UGC नेट एक इतना बड़ा एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद एक कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है। भाई असिस्टेंट प्रोफेसर एक इतनी बड़ी पोस्ट होती है जिसको कि हम एक ग्रेजुएट पोस्ट भी मान सकते हैं, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, आगे चल के आप प्रोफेसर भी बनते हैं। तो गाइस, ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि हमारे फ्यूचर को, हमारी इंडिया की जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है एक गवर्नमेंट, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जब हम टीचिंग करते हैं तो। और इसी चीज को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, ये चल गया है इंडिया में। इन चीजों को देखकर कितना दुख होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट सोच लेता है कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन की मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो काफी सपने सजा लेता है। एज ए एस्पिरेंट मैंने भी UGC नेट दिया था, मेरे भी कुछ सपने थे जब मैं UGC नेट दे रहा था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था, कि हम नेट क्वालिफाई करेंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, हमने भी सपने सजाए थे। तो गाइज, हर स्टूडेंट सपना सजाता है, हर स्टूडेंट सपने देखता है, हर स्टूडेंट ड्रीम देखता है। उन ड्रीम का क्या? उन ड्रीम के ऊपर तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क ला के रखा हुआ है NTA ने। जब एग्जाम ही नहीं लिया जाएगा तो बच्चा आगे अप्लाई कैसे करेगा? और इतनी बड़ी, जो बड़े लेवल पे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसीलिए बढ़ रहा है कि भाई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। ना सिर्फ UGC नेट बल्कि जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम है वो टाइम से कंडक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। इसका रीजन कौन, इसका जवाब कौन देगा? बताइए, आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि इसका जवाब कौन देगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो कि UGC नेट के लिए अपियर करते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपियर करते हैं, आई एम 100% श्योर कि आप लोग मिडिल क्लास से होते हैं या फिर अपर मिडिल क्लास से होते हैं। क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनको बचपन से सिखाया जाता है कि भाई आपको जॉब करनी है, आपको सरकारी नौकरी पानी है। ये सुनो, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच हैं, आपके फैमिली की, आपके पापा की इनकम अगर 1 करोड़ रुपए 1 मंथ की इनकम है, तो आई एम 100% श्योर कि आप इस एग्जाम में अपियर ही नहीं करेंगे। आपका माइंड जो होगा वो बिजनेस माइंड होगा, आप हमेशा बिजनेस करने का प्लान करेंगे, आप इस तरह की जॉब में आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पर UGC नेट में अपियर करने कौन आ रहा है? यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं उनमें अपियर करने कौन आ रहा है? उसमें अपियर करने आते हैं मिडिल क्लास के लोग, वो लोग जो सोचते ही हैं कि हमें जॉब करनी है। अब अगर उनको जॉब करनी तो एटलीस्ट यार उनके सपने तो पूरे हो जाने दो। उनके सपनों पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हुए हैं। वैसे मैं
एनटीए को लेकर के इतना ज्यादा नेगेटिविटी को लेकर के बात नहीं करता, लेकिन अब इन चीजों को देख करके बच्चों के जितने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, इनफैक्ट काफी सारे बच्चे तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि हम नेट का एग्जाम ही नहीं देंगे। अब अगर आप नेट का एग्जाम ही नहीं देंगे तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो बच्चे ने ड्रीम देखे थे आपने उसके ड्रीम उसे छीन लिए। एक बच्चे ने सपने देखे थे कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसको टीचर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, अब वो सोच रहा है कि इतना ज्यादा उसको एक तरीके से डिमोटिवेट कर दिया गया, इतने इतने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि एग्जाम अब होगा, कब होगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, बच्चा पढ़ रहा है इतने टाइम से, और कहीं ना कहीं इस एज पे आने के बाद, खासतौर पर अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो आप लोग ऑलरेडी 24 साल, 25 साल, 26 साल के हो जाते हो। इस एज पे आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ घर पे, क्योंकि घर वालों का प्रेशर होता है कि आपको जॉब करनी है, आपको पैसे कमाने हैं। इस एज पे आने के बाद कुछ ज्यादा ही प्रेशर बढ़ जाता है फैमिली की तरफ से। तो गाइज यहाँ पर अगर बच्चा नेट का एग्जाम के लिए ही गिव अप कर देगा कि मैं एग्जाम ही नहीं देना चाहता, तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये हमारे सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इनफैक्ट गवर्नमेंट पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो कि वो निभा ही नहीं पा रही है। भाई और भी तो एग्जाम होते हैं, आप अगर बात करो गेट एग्जाम की, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, ये एग्जाम तो नहीं दिया आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ये जो गेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम जो है ये IITs कंडक्ट करवाते हैं। ऐसे ही आप एनटीए के साथ, जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है वो आप नेट के एग्जाम के साथ भी ऐसे ही कर सकते थे कि किसी भी यूनिवर्सिटी को दे दो, कोई जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दो आप, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को दे दो जो एग्जाम कंडक्ट करवा सके, वो लोग भी तो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ना अपने कॉलेजेस के लिए, इसके लिए भी कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो कोई ना कोई तो दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा यार, और इस चीज को लेकर के सोचना पड़ेगा और इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। भाई ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि आपका एग्जाम सितंबर में हो जाएगा, कहानी खत्म। नहीं भाई, नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई, आपका एग्जाम दिसंबर वाले भी होगा, उसमें भी सेम ड्रामे होंगे, और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना जरूरी है, इस पे बात करना जरूरी है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि आप लोग दूसरे ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। देखिए जहां तक मेरा मानना है, एज ए टीचर मैं मानता हूं कि यहाँ पर CBSE को दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाने का दोबारा से इनको ही दे देना चाहिए, बिकॉज जब CBSE एग्जाम ले रहा था एकदम सब कुछ स्मूथली चल रहा था, सारे एग्जाम टाइम से कंडक्ट हो रहे थे, CBSE इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो इस चीज को हैंडल कर लेगी, उसने ऑलरेडी हैंडल करके दिखाया भी था। तो मेरा ये मानना है कि CBSE को दे दिया जाए। अब जहां तक बात ऑनलाइन ऑफलाइन की, गाइस तो देखिए अब एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराना काफी मुश्किल हो गया है। दो चीजें हैं, देखिए आप लोगों को भी समझना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, ऑफलाइन में इसलिए मुश्किल है बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट डेली बेसिस पे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। अब आप इस चीज को खुद ऑब्जर्व करो कि जो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे तब बच्चे बहुत कम होते थे, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम धीरे धीरे मतलब अच्छा होता जा रहा है। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ज्यादा बच्चे करते हैं, तो अब नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ऑनलाइन जो सिस्टम है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, ये अच्छा है बिकॉज स्पीडली सारी चीजें हो जाती हैं, जल्दी से रिजल्ट आ जाता है विद इन 1 मंथ, और बाकी चीजें भी स्पीड से हो जाती हैं, आंसर की वगैरह भी वेरीफाई की जा सकती है, एग्जाम जो है आपका देना भी काफी ईजी हो जाता है, तो काफी कन्वीनियंट सिस्टम है नो डाउट। लेकिन अगर ऑनलाइन सिस्टम रखना है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, तो उसके लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। भाई आपने कॉपी तो कर लिया कि फॉरेन कंट्रीज में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि फॉरेन में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके सर्वर तो डाउन कभी नहीं होते, आपका हमेशा सर्वर डाउन रहता है, कभी आपके सिस्टम काम नहीं करते हैं, तो सिस्टम भी उस लेवल के लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते, इस चीज को लेकर के हमें सोचना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोग देखो, मैंने आपको बता दिया कि CBSE जो है एक हमारे पास एक ऑल्टरनेट हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग और क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, ताकि इस चीज को लेकर के फ्यूचर में भी मैं आवाज उठाऊंगा आप लोगों के लिए, और फ्यूचर में भी मैं इन चीजों को लेकर के बात करूंगा, ताकि आप सभी को आइडिया रहे आप लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा। गाइस देखिए हम लोग टीचर्स लोग हैं जो आप लोगों के लिए बात करते हैं, बाकी टीचर्स भी आप लोगों के लिए बात करते हैं, तो इन चीजों का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब तक हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली, आप लोग ऐसे ही डिमोटिवेट होते रहोगे और एक दिन अपने ड्रीम पर गिव अप कर दोगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करके बताएं कि और क्या ऑल्टरनेट यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो अभी भी आपके पास 1 मंथ है, 20 से 30 सितंबर के बीच में जो एग्जाम कंडक्ट होने हैं, 1 मंथ आपके पास कंप्लीट, 1 मंथ है आपके पास, तो अगर आप चाहो तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ फॉर 1 मंथ, स्पेशल 1 मंथ क्रैश कोर्स चल रहा है,
तो विद इन 1 मंथ आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी आपसे, जहां पर वीडियो लेक्चर्स हैं टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, प्लस 95 मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, नोट्स भी अवेलेबल है, तो एक सिंगल प्लेस पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर कॉन्टेंट बाइलिंग वाले, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और अगर आप दिसंबर या अपकमिंग सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आप 6 मंथ वाला कोर्स जो है आपके लिए बेस्ट होगा, 6 मंथ का कोर्स आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मिनिमम 4 से 5 महीने आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो। तो ऐसे में आप अगर अपकमिंग सेशन की करना चाहते हो तो जल्दी से ऐप इंस्टॉल करके आप 6 मंथ वाला कोर्स में इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।